हेलो फ्रेंड्स आई होप सब लोग बढ़िया होंगे सो so, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था मॉलिक्यूल्स वाला हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बारे में हम एंजाइम के बारे में जो है हमने देखा था कि एंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीन होते हैं और उनमें एक एक्टिव साइड होती है जहाँ से आके जो है सबस्ट्रेट वहाँ से जुड़ता है और ये एंजाइम्स जो है, जो है इन हाई टेम्परेचर और जो पीएच वगैरह है इन पर किस तरह से एक्ट करती है सो so, ये भी हमने देखा था सो so, ये जो कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को अब हम देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन में जो है किस तरह से वर्क करते हैं सो so, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्या होती है एक तो फिज़िकल चेंज होता है यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें बिना बंद टूटे जो यौगिक हैं वो उनका आकार में परिवर्तन हो जाता है जैसे कि आइस का जो है पानी में बदलना पानी का वाटर वेपर में चेंज होना सो so, ये सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं लेकिन जब बॉन्ड जो है उनके बीच का वो टूटता है और एक न्यू बॉन्ड फॉर्म बनता है तब जो है क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं है, होती हैं यानी जो आ, उनका जो बंध है उनका टूटना और नए बंधों का निर्माण होना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जैसे कि यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो H2SO4 की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट बना लेगा और पानी बनाएगा सो so ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है इसी तरह जो स्टार्च uh, है उसका हाइड्रोलाइसिस हो या जल अपघटन होता है तो उससे क्या होता है कि वो uh, किस में ग्लूकोज में चेंज हो गया है सो so ये एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है यानी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है ये तो अब ये जो रेट है फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस की ये जो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना प्रोडक्ट जो है बन रहा है पर यूनिट टाइम ये रेट होती है इसकी केमिकल रिएक्शन की सो so, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है सो so, ये जो है दर हम ऐसे निकालते प्रोडक्ट जो है पर यूनिट टाइम कितना बना है सो अब ये जो रेट है इनकी अगर इसको हम जो है वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर इसकी दिशा जो है वो निर्धारित हो तो ये सब वेग भी कह सकते हैं तो फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर से भी इन्फ्लुंस होते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे पी वगैरह सो उसके साथ ये जो है अन्य कारकों के साथ तापमान भी जो इनको प्रभावित करता है सो एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने या घटने पर जो है अभिक्रिया की जो दर है वो क्रमशः द्विगुणित या फिर आधी हो सकती है तो ये जो है चेंज हो जाती है सो so, जो कैटालाइज रिएक्शन होती है वो ज़्यादा हायर रेट पे जो, जो है उत्प्रेरित जो अभिक्रियाएं हैं वो अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा जो है उच्च दर से संपन्न होती है क्योंकि उसमें जो है कैटल कैटालिस्ट होता है जो कि एक एंजाइम है सो so, जब इन्ज़ाइम द्वारा उत्प्रेरित अभी उसके अलावा भी इनऑर्गेनिक कैटेल भी हो सकते हैं पर हम यहाँ एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एंजाइम जो है यहाँ पे कैटला कैटलाइस करेगा रिएक्शन का सो so, यहाँ से जो है उत्प्रेरण जो है वो उस अभिक्रिया की दर जो है वो ज़्यादा हो जाती है जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल और यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में ये कार्बनिक अम्ल बनाएगा सो ये दोनों तरफ हो रही है रिएक्शन और इस uh, की एबसेंस में अगर यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम ना हो तब क्या होता है कि ये विक्रिया जो है वो बहुत मंद गति से होती है यानी एक घंटे में जो है कार्बनिक अम्ल के सिर्फ दो सौ अणु अणु ही बनेंगे लेकिन अगर हमने इसमें uh, जो है ये इंजाइम uh, दे दिया है कैटा केता, कैटलिस डाल दिया है तब ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी रेट uh, बढ़ जाएगी ये तीव्र गति से संभव होती है तो यहाँ पर जो है लगभग छः लाख अणु प्रति सेकंड बनेंगे फिर इसके तो देखा कितना जो है ड्रास्टिकली चेंज हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन पहले एक घंटे में 200 सौ मोलिक्यूल ही बन रहे थे अब एक सेकंड में बन रहे हैं कितने छः लाख मोलिक्यूल्स हर एक सेकंड सो दस मिलियन टाइम जो है ये इंक्रीज़ होगी दस लाख गुणा बढ़ा दिया इस रिएक्शन को इस एंजाइम ने तो यही जो है इंजाइम्स की पावर होती है यही जो कैटालास की पावर है वो होती है यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे हजारों प्रकार के जो है एंजाइम्स जिनमें ये विशेष प्रकार की रासायनिक और उपापचय अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित करते हैं सो so, ये जो है रिएक्शन वो बहुत सारे चरणों में होती है और एक ही जटिल एंजाइम या फिर बहुत सारे एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित हो सकती है ये जैसे कि ग्लूकोज का टू पायुर्विक अम्ल में बनना जो है ये एक जो रिएक्शन है ये सो so, ये मेटाबॉलिक uh, रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुक एसिड में चेंज होता है और इसमें बहुत सारे जो है डिफरेंट इन्जाइम्स कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को और ये बहुत मल्टीपल स्टेप्स में जो है होती है उसी तरह जैसे हमारी कंकाली पेशो में अनॉक्सी स्थित uh, में स्थिति में जो है यानी अनारोबिक कंडीशंस होंगी तब लैक्टिक एसिड बनेगा ठीक है और लेकिन जब ऑक्सी ऑक्सी स्थिति है यानी एरोबिक कंडीशन है तब वहाँ पर पायरोविक एसिड बन रहा है तो ये याद रखना है कि एनरोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनेगा और एरोबिक कंडीशन में क्या बनेगा पायरोविक एसिड बनेगा हमारी स्कैल्टल मसल्स में और जो यीस्ट है जो खिणबन होता है खमीर के द्वारा उसमें क्या होता है कि आ, सेम यही जो है प्रोसेस चलता है सेम पाथवे होता है उसमें भी लेकिन उसमें क्या है कि इथेनॉल बनेगा फर्मेंटेशन से इथेनॉल यानी अल्कोहल बनता है सो डिफरेंट कंडीशंस में जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं हर एक परिस्थिति में अलग अलग जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा सो so, अब एंजाइम जो है वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको चेंज करते हैं uh, द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है तो so, एंजाइम्स जो है उसमें एक एक्टिव साइड होती है हमने पढ़ा था अभी लास्ट वीडियो में कि उसमें एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पर क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो आके वहाँ पे लग जाता है सो so, ये केमिकल जो है जो रसायन है उत्पाद में रूपांतरित होता है और क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट कहते हैं उसके उसको तो ये सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पे आके लग जाता है और फिर जो है रिएक्शन जो है होती है तो सबस्ट्रेट से जो है प्रोडक्ट बनना यानी क्रियाधार से उत्पाद बनना जो है ये रिएक्शन जो है किस तरह से कैटेलाइज होती है एंजाइम के द्वारा तो अब यहाँ क्रियाधार जो है उसके लिए एक सक्रिय स्थल होता है एंजाइम में जिसे हम दरार या पुट्टिका कहते हैं एक लेफ्ट या फिर पॉकेट कहते हैं तो अब ये सब्सटेट जो है यहाँ पे इस एक्टिव साइड पे डिफ्यूज़ हो जाएगा यहाँ पे आके लग जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंजाइम सब्सटेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ई एंजाइम को एज सब्सटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे अब क्या होता है कि क्रियाधार एंजाइम को सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में जो है क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है यहाँ पे एक न्यू जो है स्ट्रक्चर बनता है और जल्दी ही जो है ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ये कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइड से रिलीज कर दिया जाता है और सबसेड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है प्रोडक्ट में शीघ्र ही जो है प्रत्याश प्रत्याशित बंद के टूटने या बनने से जो है उपरांत सक्रिय स्थल के से जो उत्पाद अवमुक्त होता है और जो है यहाँ पे उत्पाद जो है वो उसकी संरचना में रूपांतरित हो जाता है और यहाँ पे ये जो है रूपांतरण का ये पथ कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है सो यहाँ पे बहुत सारी जो है रूपांतरित संरचनाएँ अवस्था हो सकती है यानी कि बहुत सारे जो है ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल साइट्स जो है हो सकते हैं यहाँ पे तो कि इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चरल स्टेट्स है वो अनस्टेबल होती है यहाँ पे और जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होता है सो तो यहाँ एक ग्राफ दे रखा हमको यहाँ जो है विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और क्रियाध क्रियाधार की दर यानी जो प्रोग्रेस है रिएक्शन की तो यहाँ जो उत्पाद बन रहा है और ये सबस्ट्रेट है तो जितनी कम जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी जल्दी जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो ये एंजाइम के प्रेजेंस में जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि एंजाइम जो है उसको उत्प्रेरित कर देगा जबकि अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जो ट्रांजिशन स्टेट है वो ऊंचा हो जाता है मतलब तो बढ़ जाता है तो रिएक्शन uh, जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होती है बस यही है इस डायग्राम का सो so, ये uh, जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच की जो औसत ऊर्जा है उसका अंतर होता है ये तो ये जितना कम होगा उतनी जल्दी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो ये एंजाइम्स इसीलिए हम जो इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाए और जल्दी से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए अब नेचर जो है वो कैसा होता है एंजाइम एक्शन का एंजाइम एक्शन की प्रक्रिया प्रकृति जो है वो किस तरह से होती है तो एंजाइम में जो है एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है क्रियाधार बंधन स्थल होता है और ये एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पे जुड़कर सो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और फिर डिसोसिएट हो जाता है प्रोडक्ट्स में यानी अल्प अवधि का होता है और उत्पाद और अपरिवर्तित एंजाइम जो है विघटित हो जाता है तो पहले यहाँ पे एक एंजाइम और क्रियाधार आएंगे फिर ये एक सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे फिर यहाँ से एंजाइम और उत्पाद आ, जो है ये बन जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है दोनों अलग हो जाएंगे फाइनली सो इस तरह से होता है पहले सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा एक्टिव साइड पे एंजाइम के फिट हो जाएगा वहाँ पे और फिर बाइंडिंग जो है सबस्ट्रेट की यहाँ पे एंजाइम जो है वो अपनी जो शेप है उसको ऑल्टर कर लेगा उसमें बदलाव कर लाता है और तो यहाँ से ही मजबूती से बन जाता है फिर एक्टिव साइड जो है एंजाइम की उसमें क्या होता है कि अब वो सबस्ट्रेट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो यहाँ पर जो केमिकल रासायनिक बंद है वो टूट जाता है जो सबस्ट्रेट के और नया एंजाइम प्रोडक्ट बनता है कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है अब एंजाइम जो है इस प्रोडक्ट से रिलीज़ हो जाएगा अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देगा और एंजाइम जो है वो फिर से रेडी हो जाएगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने के लिए तो ये रिएक्शन जो है सो चलती रहती है अब फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हो जो कारक है एंजाइम की एक्टिविटी को तो पहला है कि ताप क्रम और पीएच तो एंजाइम्स हमने देखा था कि हाई टेम्परेचर पे जो है वो डी नेचर हो जाता है डिफॉर्म हो जाता है वो काम नहीं कर पाते लेकिन जो ऐसे जीवों से निकाले गए एंजाइम जो हाई टेम्परेचर में रहते तो वो उतने में काम करते हैं ठीक है सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पी पे जो है ये अच्छे से काम करते हैं सो so, प्रत्येक एंजाइम अधिक अधिकतम क्रियाशीलता में विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है इसकी तो इसे इष्टतम तापक्रम व पीएच कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच कहते हैं सो so, इसके ऊपर नीचे होने से जो है इनकी क्रियाशीलता जो वो घट जाती है सो so, यहाँ और उसके अलावा क्रियाधार की सांद्रता यानी जो सब, सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी जो है इसको अफेक्ट करती है सो सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रिया जो है वो बढ़ती जाएगी गति बढ़ेगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ वो सैचुरेट हो जाएगा जहाँ पे एंजाइम के पास जो है कोई भी एक्टिव साइट नहीं रहेगी बाइंडिंग के लिए क्योंकि वो सारे पहले से ही बन चुके हैं तब जो रिएक्शन है वो वापस कम होती जाएगी सो यहाँ पर जो है सर्वोच्च गति प्राप्त करने के बाद जो है क्रियाधार कि सांद्रता बढ़ने पर भी जो है ये अग्रसर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एंजाइम के अणुओं की संख्या जो है वो क्रियाधार के अणुओं की संख्या से कम होती है तो जितने भी एक्टिव साइट्स हैं वो उनसे जुड़ चुके हैं सो अब कोई भी जो है एंजाइम मुक्त नहीं बचता है अब बंधन करने के लिए सो इस प्रकार जो एंजाइम क्रियाशीलता है वो विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है और एंजाइम्स जो है यहाँ से बनते और जब रसायन का एंजाइम से बनने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इसको हम संधमन या इनिबिशन कहते हैं और जो रसायन है जिसने ये किया है उसे हम इनिबीटर कहते हैं जो केमिकल है सो so, जब इन्हीबिटर जो है वो क्लोजली डिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट को है ना काफ़ी समानता रखता हो ये तब एंजाइम की क्रियाशीलता को जो है ये इनहिबिट कर देता है संदमित कर देता है और इसे हम जो है प्रतिस्पर्धात्मक सन संदमन कहते हैं यानी कंपिटेटिव इनहिबिशन कहते हैं जब इन्हीबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एक जैसे लगते हो एक जैसी उनकी रिजम्बलेंस हो तो क्या होता है कि इनिबिटर जाके जो है एंजाइम से बाइंड कर जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन जो है वो वैसे ही कम हो गई है जो रेट है रिएक्शन की वो कम हो जाएगी इससे तो इसलिए जो है बहुत सारी रिएक्शंस में जो है इनिवेटर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सो so, इनको जो है जीवाणु जन्म रोग जनों को यानी बैक्टीरियल पैथोजन को नियंत्रण करने हेतु जो है इनिवेटर्स यूज़ किए जाते हैं सो so, जैसे कि जो सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज वाला है उसमें क्या होता है डिहाइड्रोजनेज का मेलेनोट द्वारा जो है संदमन को संरचना जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट के निकट समानदार रखता है तो यहाँ पे ये जो है एक इनिबिटर की तरह काम करता है सो तो यहाँ पी और टेम्परेचर के बेसिस पे देखो पी में पहले एक बार जो है एंजाइम की सक्रियता बढ़ेगी फिर जो है हाई पी होने पे ये डिक्रीज हो जाएगी सेम टेम्परेचर पे भी है और ये जो है कंसनट्रेशन वाला यहाँ पे एक सेचुरेशन पॉइंट जो है आ जाएगा आ, सबस्ट्रेट का सो तो ये जो है इस तरह से ग्राफ बनेंगे इसके एंजाइम और उसकी एक्टिविटी के फिर एंजाइम का नामकरण और वर्गीकरण तो एंजाइम जो है वो बहुत सारे हैं और ये छह क्लासेस में जो है डिवाइड किए जा सकते हैं और उनको भी जो है चार से फोर्टीन सब क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है सो तो पहला है ऑक्सीडोडिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम जो है कैटेलाइज कर, करते हैं ऑक्सीडेशन उक्सिड, और रिडक्शन दोनों को है ना तो ये जो है एस और एस डैश के इन इनसे जो है इनका नामकरण किया जाएगा इस तरह से दो सबस्ट्रेट हैं एस और एस डैश के बीच में रिएक्शन देख लेते हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करेंगे ऑक्सीडो ऑक्सीडो रिडक्टेज और डीहाइड्रोजनेज सो तो इस तरह से जो है इनकी रिएक्शन हो जाएगी यानी उपचयित जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत जो है वो उपचयित हो जाएगा दूसरा है आ, ये कैटेलाइज करते हैं एक ग्रुप को जैसे कि हाइड्रोजन के अलावा जो है उसको ये करेंगे हाइड्रोजन के अतिरिक्त को जो है ये कैटेलाइज करते हैं तो जी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा उसके अलावा को, कोई कोई सा भी हो सकता है तो ट्रांसफरइज उसको करेंगे जबकि हाइड्रोलेज जो है वो एंजाइम ईस्टर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक कार्बन 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 हेलाइड और फॉस्फर नाइट्रोजनीस ऑर्गेन ऑर्गेनिज का वो बहुत सारे जो है कंपाउंड से बना होता है जैसे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन है सो ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो जीव है निर्जीव निर्जीवों की तुलना में सो so, ये जो जीव है इनमें सार्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो है जल मिलता है सबसे ज़्यादा जल होता है और इनका जो अणुभार है वो डाल्टन में मापा जाता है सो so, अगर हज़ार डाल्टन से कम अणुभार वाले जो है हज़ारों जैव अणु हम में मौजूद मौझू, होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड है एकल सेक्राइट्स से, से है दई सेक्राइट्स है पॉली वसा अम्ल ग्लीस्ट्रोइड ग्लिसरॉल न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स नाइट्रोजन शार जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक जो है वो हमें मिलते हैं तो हमें जो है टोटल बीस प्रकार के जो है अमीनो एसिड मिलते हैं और पांच प्रकार के जो न्यूक्लियोसाइड्स मिलते हैं जिसमें दो प्यूरिन जो प्यूरिनस और पेरेमिडीन्स में ये जो है डिवाइड होते हैं जैसे कि एडिनोसिन साइटोसिन ग्वानीन थमिन ये वगैरह सो तो अब जो है जीव में केवल तीन प्रकार के वृत अणु होते हैं जैसे प्रोटीन न्यूक्लिक और बहु बहुसैक्राइट्स यानी पॉलीसैक्राइड्स और लिपिड जो है वो झिल्ली से संबंधित होने के कारण जो है ये आणविक आणविक अंश में जो है वृत आणविक अंश में रहते हैं और जैव वृहत अणु जो है वो बहुलक होते हैं सो तो ये पॉलीमर्स होते हैं कि जैसे न्यूक्लिक एसिड है तो ये डीएनए और आने में मिलेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना ये उसका पॉलीमर है तो so, जैव अणुओं में संरचना का पदानुक्रम जैसे कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुषक चतुष्क संरचना यहाँ पर मिलती है हमको न्यूक्लिक एसिड में अनुवांशिक द्रव्य भरा होता है हमारा तो ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है तो ये सब में मिलता है किसी में आर ए मिलता है किसी में डी ए मिलता है किसी में सिंगल स्टैंडर्ड होता है किसी में डबल स्टैंडर्ड होता है सो so, इस तरह से और उसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो जो रिएक्शंस है हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस है उनको क्या करते हैं कैटालाइज करते हैं तो हमने टाइप ऑफ इंजाइम्स भी जो है वो पढ़ लिए सो so, इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना ख्याल रखिए ऑल द बेस्ट थैंक यू नमस्कार आर पी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा जी हाँ अब एस की तैयारी करना हुआ और भी आसान ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ नौ रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड थ्री मॉक टेस्ट पेपर्स सिर्फ ये चार सिंपल स्टेप्स फॉलो करें डाउनलोड ऑन गुरु ऐप अप्लाई दिस कूपन कोड क्लिक ऑन पे यू मनी एंड पे रुपीज नाइन वाई अड ऑफ योर चॉइस एंड एंजॉय दी टेस्ट सीरीज फॉर वन वीक